इस हरकत का क्या मतलब? वो कॉफी में मक्खी गिर गई थी। मक्खी की खातिर तूने कप तोड़ डाला है? कप के सारे टुकड़े चुन ले, मेरी नजर कमजोर है और अगर एक टुकड़ा भी मेरे पाँव में लगा तो तेरी खैर नहीं है, समझा? अब मैं जा रही हूँ नहाने। अरे कॉफी पीने दी होती तो ही अच्छा होता। दादी तू अभी नहीं बच सकती, तू तो इसकी आवाज से ही ढसल जाएगी। रमा त्रिवहारम ब्रज कविहारम सर्वतम सदा तुम गोविनंदम परम सुख कंदम भजतरे निराधार धारम भवजलधिपारम परपुनम रमाग्रिवहारम ब्रज कविहारम हरनुतम सदा तुम गोविनंदम परम सुख कंदम। दादी गई। ये बाजा क्या क्या मरते, कौन कौन है ये बाजा, क्या कर रहा है यहाँ है? वो तो अच्छा हुआ कि नहाने के बाद मैंने सर्दी से बचने के लिए कानों में रुई डाल ली थी। रुई रुई नहीं तो मुझे तेरा बेसुरा बाजा सुनना पड़ता। खड़ा क्या देख रहा है, मुझे कॉफी कौन पिलाएगा? अरे जा। यस दादी। और ये बोपरी एक बात बोलेगा पूरा नहीं मानेगा। इतना अच्छा लोकेशन किधर से ढूंढ के लाया? चुन्नू दा ये लोकेशन नहीं, राहुल का फार्म हाउस है। और ये बोपरी अब समझा, दिल तो पागल है। शूटिंग जल्दी पैकअप हो गया तो आप राहुल साहब को ये सरप्राइज देने के लिए आया। प्यार में ये छोटे सरप्राइजेस ही बड़ी बड़ी खुशियां देते हैं। बुरा नहीं मानने का, बुझते बेचो। राहुल शादी की डेट फिक्स हो गई पर तुमने फ्लर्ट करना नहीं छोड़ा। फ्लर्ट कौन कर रहा है, मैं तो हनीमून की रिहर्सल कर रहा हूँ। वेरी स्मार्ट, रिहर्सल मेरे साथ और शादी सपना के साथ राहुल। क्या करूँ, हम इंडस्ट्रियलिस्ट की शादी भी एक बिजनेस स्ट्रेटजी होती है। वी डोंट नीड अ हाउसवाइफ, हमें तो एक फेमस चेहरा चाहिए जो सोसाइटी में हमारे साथ उठ बैठ सके, जिसकी फेम का हम बिजनेस में फायदा उठा सके। आज सपना एक टॉप एक्ट्रेस है, हमारी शादी के अनाउंसमेंट के साथ ही हमारी कंपनी वर्ल्ड ओवर फेमस हो गई। ये शादी नहीं एक बिजनेस डील है। यू नो व्हाट आई मीन। बाकी सबको पता है कि शो बिजनेस में टॉप पे आने के लिए क्या क्या सैक्रिफाइसेस करने पड़ते हैं। सपना नाम मत लो मेरा, मेरे रिश्तेदार तो मेरा पैसा खाते थे, तुमने तो मेरे प्यार, मेरे विश्वास, मेरे अरमान, मेरे सपनों को ही अपना बिजनेस बना डाला। सपना एक मिनट, एक मिनट मेरी बात सुनो। सपना मुझे गलत मत समझो, देखो देखो। Don't touch me. सपना listen to me. Don't touch me and you listen to me. मैंने तुम्हारे लिए मेरे अपनों से झगड़ा किया, अपने फैंस, अपने प्रोड्यूसर्स, अपने करियर का ख्याल नहीं किया, और तुमने सपना listen to me. सपना, सपना क्या कर रही, क्या कर रही हो? I'll kill you. Control yourself. I'll kill you. I hate you. सपना, I hate सपना, you. Relax. You're a liar. You're a cheat. I'll kill you. Do not leave me. I hate you. You're a cheater. You're a liar. I'll kill you. I'll kill you. Leave me, Trinidad. I'll kill you. I'll kill you. अरे वाह बापू, आज तलवार लेने मुगले आजम ऊपर कोई नौ आइटम बनावे से के? आइटम नहीं बापू, बहुत लंबा चौड़ा प्रोग्राम बनाया मैंने अपनी दादी का मर्डर करने का। क्यों बात करो छो, पोतानी दादी नो खून करोगे? ये पोतानी क्या होता है? मतलब
खुद की दादी नो खून? हाँ हाँ, I have to kill her. पन बापू, खुद की दादी को मारकर तुम बच सकोगे? हाँ, मैं उसका ऐसे मर्डर करूंगा कि वो हादसा लगेगा, एक्सीडेंट। अरे पन फिर भी पुलिस सबसे पहले तुम को अरेस्ट करेगी। Why? क्योंकि पुलिस कोई भी हादसा ने मर्डर की नजर से देखती है, अने पछी मर्डर करने वाले का मोटिवेशन ढूंढती है, मकसद। खून करने से फायदा किसको होगा? फायदा? दादी के खून से तुमको ही फायदा होगा ना, क्योंकि तुम ही दादी की दौलत के इकलौते वारिस हो, इसलिए तुम्हारे पास मोटिवेशन भी है, मकसद भी है, और खून के वक्त तुम घर पर ही होगे। इसका मतलब यह है कि खून के वक्त मुझे घर पे नहीं होना चाहिए, कहीं और होना चाहिए। वो भी ऐसे आदमी के साथ जो पुलिस में गवाही दे कि खून के वक्त तुम उसके साथ थे। मगर ऐसे लोग मिलते नहीं है ना। बहुत झंझट है मर्डर करने में, इतले एक काम करना, दिल से 16 शुक्रवार कर, दादी मर जाएगी। अपने तो सारे काम ऐसे ही होते हैं। इस महीने की 20 को हम शादी कर रहे हैं। अब तो तुम्हारा प्यार ही मेरी दुनिया है, मेरा भी दिल है, मेरे भी दिल में किसी की चाहत हो सकती है। हम इंडस्ट्रियलिस्ट की शादी भी एक बिजनेस स्ट्रेटजी होती है, बाकी सबको पता है कि शो बिजनेस में टॉप पे आने के लिए क्या क्या सैक्रिफाइसेस करने पड़ते हैं। Don't touch me and you listen to me. मैंने तुम्हारे लिए मेरे अपनों से झगड़ा किया, अपने फैन, अपने प्रोड्यूसर, अपने करियर का ख्याल नहीं किया। क्या रे, कौन है रे, क्या रे? आइला 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 ए आइला। ओ ओ सपना जी, ओ ओ नो, ओ माय गॉड, ओ माय हार्ट, ओ माय हैंड, ओ मेरा हाथ ठंडा हो गया। ओ सपना जी, ओ गुड नाइट, ओ आई मीन और हेलो नमस्ते, हेलो। ओ सपना जी, आप मुझे जानते हो? अरे आपको कौन नहीं जानता है, अरे हीरो से लेकर तो पब्लिक तक सब तो आपका फैन है, और मैं तो आपका सबसे बड़ा फैन है, फैन नंबर वन। फैन नंबर वन तुम हो? मेरे को तो साला विश्वास ही नहीं होता है कि सपना जी मेरे सामने खड़ी है। ये क्या है? आपकी भी शाम की प्रॉब्लम स्टार्ट हो गई है, आप तो पीती नहीं थी ना, वो अपना राहुल जी का है ना, मतलब उसका मिने का क्या हुआ? वो बेवा निकला, मेरा उससे कोई वास्ता नहीं है, मैं उसको मार डालूंगी। I'm gonna kill him, I'm gonna kill him! अरे पुलिस पकड़ेगी आपको, क्या बात कर रही है आप? अनाज नहीं जाएगा मेरे पेट में, मालूम है क्या? सपना जी आप ऐसा कभी मत करना, पुलिस फौरन आकर आप ही को पकड़ेगी, क्योंकि आपके पास मोटिवेशन है राहुल के मर्डर करने का। मोटिवेशन? हाँ, शाह भाई बोलते हैं कि पुलिस सबसे पहले उन्हीं से तहकीकात करती है जिनके पास मर्डर करने का मकसद होता है, और आपके पास तो बहुत बड़ा मकसद है, बेवफाई का बदला, इसलिए आप तो राहुल को मार ही नहीं सकती, जैसे मैं अपनी दादी को मार नहीं सकता, सिर्फ उसके थप्पड़ खा सकता हूँ। सपना जी, हम लोग अदला बदली कर ले। अदला बदली? हाँ, मैं आपके लिए राहुल का खून कर देता हूँ, और आप मेरे लिए मेरी दादी का अदला बदली। देखिए ना सपना जी, मेरी और राहुल जी की कोई दुश्मनी नहीं है, मैं तो उनको जानता भी नहीं हूँ। जब मैं उसका खून करूंगा तो पुलिस मुझ पर शक नहीं करेगी, और उसके बदले में जब आप मेरी दादी का खून करोगी तो पुलिस आप पे भी शक नहीं करेगी, क्योंकि जब दादी का खून होगा तो मैं बैठकर आपकी फिल्म देख रहा होगा, और जब राहुल का खून होगा तो आप दूर कहीं शूटिंग कर रही होंगी। इस तरह से राहुल भी खत्म हो जाएगा और दादी भी खत्म हो जाएगी, और हम दोनों बच जाएंगे, और पुलिस हम पर शक नहीं करेगी। वाह सपना जी वाह, अरे आप जैसी बड़ी फिल्म स्टार के हाथ से मर के मेरी दादी की तो लाइफ बन जाएगी, वो तो डायरेक्ट स्वर्ग में जाएगी। सपना जी, मैं इस बात को एक स्टार का अपने फैन से वादा समझूं? क्या? रात भर गायब रहने का क्या मतलब? कुकी भाई आप ही समझाइए इसे। मैडम, रात भर आपका फोन भी नहीं चलता था, किधर थी आप? मुझे कुछ याद नहीं आ रहा कुकी भाई,
कांट रिमेम्बर एनीथिंग। जाओ वहीं बैठे रहो। Why not? यहाँ से किसी की चीखने की आवाज आई थी। चीखने की आवाज यहाँ से हो ही नहीं सकता क्योंकि मैं तो चीखा ही नहीं। फिर भी मैं गाने की रिहर्सल कर रहा था, आपको मेरे गाने की आवाज सुनाई दी होगी। मैं गाना गा रहा था जोर जोर से के आ जा रे चूहा चूहा तकलीफ दे रहा था चूहा। रिहर्सल यहाँ? या मैं ऑर्केस्ट्रा का सिंगर नंबर वन हूँ ना। मैंने नहीं किया सर, मैंने कुछ नहीं किया, इट जस्ट हैपेंड सर। मैंने आपके गाने का प्रोग्राम देखा है। ओह रियली? ये मेरे गाने के प्रोग्राम का रिएक्शन था। बहुत मजा आया। ओह थैंक यू वेरी मच। क्या गाते हैं? हिंदी गाने गाता हूँ बस थोड़े बहुत। अब नाचते भी बहुत अच्छा है। वो तो मैं विरार से ही। वो माइक वाला आइटम तो आपका कमाल का ही था। वो थैंक यू वेरी मच। वो आइटम मैंने किया नहीं था मैडम, वो आइटम हो गया था। मैं जो भी करता हूँ वो हो जाता है बस। डार्लिंग ये पैरों का आइटम तो कितना कमाल का कर रहे हैं ना। यकीन मानिए मैडम, ये आइटम भी मैं कर नहीं रहा हूँ, ये आइटम हो रहा है। चलो डार्लिंग बहुत हो गया, चलो। सी यू सर, सी यू, बाय बाय, बाय बाय, टेक केयर। निकल भाग यहां से। ये राहुल कहां गया?